भाई आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं मीडियाटेक हेलियो P22 प्रोसेसर को मीडियाटेक के हेलियो P35 प्रोसेसर के साथ में। और भाई जो मीडियाटेक हेलियो P22 प्रोसेसर है वो आपको मिला था इन्फिनिक्स हॉट 8 के अंदर। वहीं पर बात करें P35 प्रोसेसर की तो आपको देखने को मिला है इन्फिनिक्स S5 प्रो के अंदर। इस वीडियो के अंदर करेंगे दोनों प्रोसेसर को कंपेयर और देखेंगे भाई P35 के अंदर हमको क्या क्या चीजें बेटर देखने को मिलती है। फटाफट से इस कंपैरिजन को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है यश और प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं लॉन्च डेट से। मीडियाटेक हेलियो P22 लॉन्च हुआ था 22 मई 2018 को। वहीं पर मीडियाटेक हेलियो P35 लॉन्च हुआ है 16 अप्रैल 2019 को। यानी कि लॉन्च डेट के हिसाब से मीडियाटेक हेलियो P35 थोड़ा सा लेटेस्ट प्रोसेसर है। सीपीयू और सीपीयू क्लॉक स्पीड की बात करें, दोनों ही प्रोसेसर के अंदर आपको डुअल क्लस्टर आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। दोनों ही प्रोसेसर 4+4 की बिग लिटिल अप्रोच को फॉलो करते हैं। मीडियाटेक हेलियो P22 की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 कोर मिलते हैं परफॉर्मेंस के लिए, जहाँ पर आपको मिलता है आर्म कॉर्टेक्स A53 CPU, क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है 2.3 GHz की। बचे हुए जो 4 कोर है वो मिलते हैं आपको एफिशिएंसी के लिए, वहां पर भी आपको मिलता है आर्म कॉर्टेक्स A53 CPU, क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है 1.65 GHz की। मीडियाटेक हेलियो P35 की बात करें तो 4 कोर मिलते हैं आपको एफिशिएंसी के लिए, यहां पर मिलता है आपको आर्म कॉर्टेक्स A53 CPU, क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है 2.3 GHz की। बचे हुए जो 4 कोर है वहां पर आपको मिलता है आर्म कॉर्टेक्स A53 CPU और क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है 1.8 GHz की। यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में जो हाई परफॉर्मेंस टास्क रहेंगे वहां तो दोनों प्रोसेसर एक जैसे परफॉर्म करने वाले हैं, लेकिन जो डे टू डे यूसेज के जो टास्क होंगे वहां पर मीडियाटेक हेलियो P35 थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर जाएगा। तो CPU और CPU क्लॉक स्पीड के मामले में P35 थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर है। सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात की जाए भाई तो दोनों ही प्रोसेसर बने हुए हैं 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर। और भाई फैब्रिकेशन प्रोसेस का मतलब ही ये होता है कि जो सेमीकंडक्टर्स यूज किए गए हैं प्रोसेसर को बनाने में उनका साइज क्या रखा गया है, और प्रोसेसर के सेमीकंडक्टर का साइज जितना कम रखा जाता है प्रोसेसर उतना बेटर परफॉर्म करता है, उतना ही कम हीट होता है और उतना ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है। यहाँ पर दोनों प्रोसेसर बने हुए 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर, यानी कि हीटिंग का इशू आपको दोनों प्रोसेसर में देखने को मिलेगा और एनर्जी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। सीपीयू आर्किटेक्चर एंड कोर्स की बात की जाए भाई तो दोनों ही प्रोसेसर 64-bit के ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। यानी कि दोनों प्रोसेसर में आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए 8-8 कोर मिलेंगे। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि GPU की अगर बात की जाए तो दोनों प्रोसेसर में सेम GPU यूज किया जाता है। दोनों ही प्रोसेसर में मिलता है आपको IMG पावर VR GE8320 GPU, जहां पर P22 में आपको क्लॉक स्पीड मिलती है 650 MHz की, वहीं पर P35 में आपको क्लॉक स्पीड मिल जाती है 680 MHz की। यानी कि सेम GPU मिलता है आपको, लेकिन उसकी थोड़ी सी पावर बढ़ा दी जाती है, तो गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको हेलियो P35 में थोड़ी सी बेटर देखने को मिलेगी। रैम सपोर्ट की बात करें तो दोनों प्रोसेसर के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। दोनों ही प्रोसेसर के अंदर आपको डुअल चैनल LPDDR3 और LPDDR4X दोनों टाइप की रैम का सपोर्ट मिलता है। अगर LPDDR3 रैम यूज की जाती है तो मैक्सिमम रैम साइज हो सकता है 4GB का और रैम फ्रिक्वेंसी आपको मिल जाती है 933 MHz की। अगर LPDDR4X रैम यूज किया जाता है तो 6GB तक का आपको रैम देखने को मिल सकता है और जो रैम फ्रिक्वेंसी आपको मिल जाती है वो मिल जाती है 1600 MHz की। तो रैम सपोर्ट के मामले में P35 और P22 एक जैसे प्रोसेसर हैं। स्टोरेज सपोर्ट की बात करें तो यहाँ भी हमको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। दोनों प्रोसेसर के अंदर आपको केवल eMMC 5.1 वाली स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। बात करें कैमरा सपोर्ट की, मीडियाटेक हेलियो P22 के साथ में आपको 21 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा देखने को मिल सकता है 30 फ्रेम पर सेकंड पे, और 13+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल सकता है 30 फ्रेम पर सेकंड पे। वहीं पर मीडियाटेक हेलियो P35 की बात करें तो यहां पर आपको 25 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा देखने को मिल सकता है 30 फ्रेम पर सेकंड पे, और 13+13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिल सकता है 30 फ्रेम पर सेकंड पे। तो यहां पर कैमरा सपोर्ट के मामले में मीडियाटेक हेलियो P35 में थोड़े से इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर लगता है। वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन की बात की जाए तो यहाँ पर भी हमको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। दोनों प्रोसेसर के साथ आप अप टू फुल HD प्लस यानी कि 1080 पिक्सल्स वाले वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन के मामले में कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों प्रोसेसर में।
डिस्प्ले सपोर्ट की बात की जाए, मीडियाटेक हेलियो P22 के साथ में आपको HD+ डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, जहां पर रिजोल्यूशन आपको मिल जाता है 1600x720 पिक्सल का। वहीं पर मीडियाटेक हेलियो P35 के अंदर आपको फुल HD+ डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है, रिजोल्यूशन आपको मिल जाता है 2400x1080 पिक्सल का, यानी 2400x1080 पिक्सल का। तो डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में मीडियाटेक हेलियो P35 के अंदर अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर लगता है। LTE मॉडेम की बात करें तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है दोनों प्रोसेसर में, सेम मॉडेम आपको दोनों प्रोसेसर के अंदर देखने को मिलता है। इंटीग्रेटेड 4G LTE मॉडेम लगाया गया है दोनों प्रोसेसर में। Cat7 वाला मॉडेम आपको मिलता है डाउनलिंक के लिए, और डाउनलोड स्पीड आपको मिल जाती है 300 Mbps की। Cat13 मॉडेम मिलता है आपको अपलिंक के लिए, और अपलोड स्पीड जो आपको मिलती है वो मिलती है 150 Mbps की। तो LTE मॉडेम के मामले में भी दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। AnTuTu स्कोर्स की बात करते हैं, P22 को मिलते हैं लगभग 76,852 पॉइंट, वहीं पर मीडियाटेक हेलियो P35 को मिलते हैं 86,352 पॉइंट। तो भाई एक एंट्री लेवल प्रोसेसर के हिसाब से दोनों प्रोसेसर को अच्छे स्कोर मिलते हैं। मीडियाटेक हेलियो P35 थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर है AnTuTu के हिसाब से। Geekbench स्कोर्स की भी बात की जाए ना, तो मीडियाटेक हेलियो P22 को सिंगल कोर में मिलते हैं 818 पॉइंट, P35 को सिंगल कोर में मिलते हैं 888 पॉइंट। यानी Geekbench के हिसाब से सिंगल कोर में विनर है मीडियाटेक हेलियो P35। मल्टी कोर की बात करें तो P22 को मिलते हैं 3306 पॉइंट, यानी कि 3306 पॉइंट। वहीं पर मीडियाटेक हेलियो P35 को मिलते हैं 3904 पॉइंट, यानी कि यहां भी विनर निकल के आता है मीडियाटेक हेलियो P35। तो ओवरऑल बात की जाए Geekbench के हिसाब से भी तो P35 थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर है। तो भाई ये था कंपैरिजन मीडियाटेक हेलियो P22 प्रोसेसर का मीडियाटेक के हेलियो P35 प्रोसेसर के साथ में। CPU की बात करें तो थोड़ी सी क्लॉक स्पीड आपको ज्यादा देखने को मिलती है P35 के अंदर, एफिशिएंसी कोर्स के अंदर। GPU की बात करें तो सेम GPU दोनों में देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ी सी क्लॉक स्पीड ज्यादा मिलती है आपको P35 के अंदर। आपको कैमरा सपोर्ट थोड़ा सा बेटर कर दिया गया है P35 में, डिस्प्ले सपोर्ट को बेटर किया गया है HD+ से, फुल HD+ का डिस्प्ले सपोर्ट देखने को मिलता है P35 के अंदर। और LTE मॉडेम की बात करें तो दोनों के अंदर सेम LTE मॉडेम देखने को मिलता है। तो अच्छे खासे मतलब डिसेंट आपको यहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं P35 के अंदर। तो भाई आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको दोनों में से कौन सा प्रोसेसर ज्यादा बेटर लगा, कमेंट करके मेरे को जरूर बता देना। मेरे हिसाब से तो ऑब्वियसली P35 थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर है, ऑब्वियसली वो उसका सक्सेसर भी है P22 का, और थोड़े से अच्छे खासे इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताओ भाई क्या इंप्रूवमेंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कौन सा प्रोसेसर अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।